हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वावलंबी। आज हमारा पंजाब पटवारी सीरीज का ये सेवंथ लेक्चर है। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पंजाब पटवारी एग्जाम के लिए। आज हम मेंटल एबिलिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा मेंटल एबिलिटी का थर्ड पार्ट है। हमने क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और मेंसुरेशन के दो दो पार्ट बना दिए हैं। आप उनको हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के जो आज मैं डिस्कस करूंगा पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। उन सबका अलग अलग हमारा प्रोफेशन दे रखा है, ठीक है। उसके पास स्टेटमेंट्स हैं। इन स्टेटमेंट का यूज करके हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है फैमिली का, फिर उसके बाद हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। देखो 6 मेंबर्स ABCDEF, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट, मैनेजर, एडवोकेट, ज्वेलर, डॉक्टर और इंजीनियरिंग का प्रोफेशन है, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ, हु इज ए साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। जो डॉक्टर है वो क्या है, ग्रैंडफादर है, ठीक है। डॉग, और ये प्लस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये मेल होगा, क्योंकि ग्रैंडफादर है इसका, ठीक है। यहाँ पे इसका बेटा बेटी जो आएगा, ठीक है, और वहां पे नेक्स्ट एफ, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ठीक है। एफ क्या है हमारा, साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, मैनेजर डी इज मैरिड टू ए। जो डी मैनेजर है, ठीक है, क्या है, मैनेजर किससे मैरिड है, मैरिड टू ए, ठीक है। नेक्स्ट सी हु इज ए ज्वेलर इज मैरिड टू एडवोकेट। सी जो एक ज्वेलर है, ठीक है, ये किससे मैरिड है, एडवोकेट से, ठीक है। अभी तक हमें पता नहीं है ये कौन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट बी इज द मदर ऑफ एफ। बी क्या है, एफ की मदर, यानी कि इनमें से एक बी है और मदर है, तो नेक्स्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। मदर ऑफ एफ एंड ई, यानी कि यहाँ पे एक ई भी आ जाएगा, ठीक है। देयर आर टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली। देखो मैरिड कपल यही दो हैं, और कोई मैरिड कपल नहीं है, तो देखो दो ये हो गए, एक मैरिड कपल यहाँ पे, एक मैरिड कपल यहाँ पे आ जाएगा, तो फैमिली के 6 मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी और ए दोनों गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे को दोनों ही नहीं पता कौन है, तो यहाँ पे यानी कि ये डी और ए कहाँ पे आएगा, टॉप पे, तो ये डॉक है, ये कौन है, ए, और इसकी शादी डी से हुई है, ठीक है, जो फीमेल होगी और वो मैनेजर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी क्या है हमारा, ज्वेलर, और साथ में एडवोकेट है, यानी कि बी क्या हो जाएगी हमारी, एडवोकेट, ठीक है। और ये किससे मैरिड है, सी से, ये मेल हो गया, ठीक है, पता लग गया क्योंकि ये फीमेल थी तो ये मेल होगा, ठीक है, और साथ में ये क्या है हमारा, ज्वेलर, ठीक है। तो ये हमारा फैमिली चार्ट कंप्लीट हो गया पूरा। अब हमसे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई, ई का प्रोफेशन क्या है। देखो सारे प्रोफेशन कवर हो गए, कौन सा प्रोफेशन बचा हमारा, इंजीनियर, तो ई क्या है हमारा, इंजीनियर है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। फैमिली में कितने मेल मेंबर है, ठीक है। देखो यहाँ पे इन चारों का मेरे को क्या पता है, जेंडर पता है, ठीक है, लेकिन एफ और ई मेरे लिए अननोन है, ठीक है, मेरे को ये नहीं पता ये मेल है फीमेल है, तो मैं काउंट नहीं कर सकता कितने मेल हैं फैमिली में, कितनी फीमेल्स हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि मेरे को ई एंड एफ का जेंडर नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, और जो ए है वो क्या करता है, 1 आवर में 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है, 1 आवर में 1 राउंड, ठीक है। और जो बी है हमारा, ये 1 आवर में 6 राउंड कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, उन दोनों ने इकट्ठा स्टार्ट किया, ए और बी ने, स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, तो कब स्टार्ट किया, 7:30 पे, स्टार्टिंग टाइम क्या है उनका, 7:30 AM। अब मेरे से पूछा क्या है, When they will cross each other, वो एक दूसरे को क्रॉस कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले बी की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि वो 1 आवर में 6 राउंड कवर करता है, तो बी ए से आगे निकल जाएगा और घूम के फिर से पीछे को आके ए को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो मेरे को वो टाइम निकालना है, वो कितने टाइम में क्रॉस करेगा, ठीक है। देखो एक टाइम ऐसा आएगा जब बी एक कंप्लीट राउंड लेके यहाँ पे फिर से आ जाएगा, ठीक है, ए यहाँ पे होगा, उसने थोड़ा सा राउंड ही कवर किया होगा, ठीक है। ये कितनी देर बाद होगा, देखो 1 आवर में 6 राउंड लेता है, यानी कि
वन राउंड लेने में कितना टाइम लगेगा इसको, वन राउंड, 1/6 आवर, 1/6 आवर मेरा कितना होता है ये 10 मिनट्स, ठीक है। यानी कि 10 मिनट्स में बी घूम के फिर से यहां पे आ गया, ठीक है। यानी कि अभी 10 मिनट हो गए हैं, ये सिचुएशन कब बनेगी, 7:40 पे, ठीक है। अब देखो बी को ये डिस्टेंस कवर करना है और जितना ए कवर करेगा उतना डिस्टेंस कवर करना है। मान लो यहाँ पे ए और बी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो अब देखो मेरे को सबसे पहले ये निकालना है ये डिस्टेंस कितना है, जो उनके बीच में गैप है वो कितना होगा। इस 10 मिनट में ए ने जितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, वही होगा ये डिस्टेंस। अब देखो ए की स्पीड कितनी है, 1 आवर में 1 राउंड, यानी कि 60 मिनट्स में 1 राउंड। तो हमें क्या निकालना है, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 10 मिनट में कितना करेगा ये, 1/6 राउंड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1/6 राउंड, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि एक्स मिनट बाद ये मिलते हैं, ठीक है, ये सिचुएशन एक्स मिनट बाद आती है। अगर मैं एक्स मिनट निकाल लूंगा कितने टाइम बाद होगा, तो 7:40 में वो मैं एक्स ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वो एक्स कैसे निकालेंगे, देखो बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा उस एक्स में, यहां से लेके यहां तक आ जाएगा, वो डिस्टेंस मैं कैसे निकाल लूंगा, एक्स मिनट है, बी देखो 1 आवर में 6 राउंड करते, यानी कि 60 मिनट में 6 राउंड, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना आएगा, 6/60 राउंड, ठीक है। बी के लिए क्या है, 1 मिनट में 6/60 राउंड, यानी कि 1/10 राउंड। तो एक्स मिनट में कितना करेगा, एक्स इंटू 1/10 राउंड, ठीक है, ये बी का हो गया। अब ये किसके बराबर आना चाहिए, ये 1/6 राउंड, ठीक है, प्लस जो ए कवर करेगा। अब ए की स्पीड क्या है, ए देखो 60 मिनट में 1 राउंड करता है, तो 1 मिनट में 1/60 राउंड, तो एक्स मिनट में कितना करेगा, 1/60 × x, ठीक है। ये क्या हो गया, बी का राउंड हो गया, ये हो गया जो बी ने एक्स्ट्रा कवर करना है प्लस जो ए का राउंड है, ठीक है, इक्वल होंगे। अब इसको हम सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। पूरी इक्वेशन को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि फ्रैक्शन पार्ट खत्म हो जाए, ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 मिनट बाद ये सिचुएशन आ जाएगी जब बी ए को क्रॉस कर जाएगा, तो 7:40 के बाद 2 मिनट्स और लगेंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7:42। इस क्वेश्चन को मैं एक आसान तरीके से भी कर सकता था अगर आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। वो कैसे करता मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। देखो ए और बी की अगर मैं रेशियो निकाल लूँ कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया सेम टाइम में, तो वो क्या है, 1:6, 1 राउंड 6 राउंड, ठीक है। ये किसकी रेशियो है, डिस्टेंस की। तो अगर मैं स्पीड की रेशियो निकाल लूँ, देखो सेम टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वही स्पीड की रेशियो होती है, ठीक है। तो 1:6 इनकी क्या है, स्पीड की भी रेशियो है, ठीक है। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए और बी, ठीक है। तो अगर रिलेटिव स्पीड से जितनी देर में बी एक राउंड कवर करेगा उतनी देर में ही वो ए को द्वार से मिल जाएगा, ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। अब देखो इनकी स्पीड में डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट्स का, ठीक है, 5 यूनिट यानी कि 5 राउंड 1 आवर का, ठीक है। रिलेटिव स्पीड से बी 5 राउंड 1 आवर में कंप्लीट करेगा, मेरे को क्या निकालना है, सिर्फ वो 1 राउंड कब कंप्लीट करेगा, ठीक है। जब वो 1 राउंड कंप्लीट कर देगा ए के रिलेटिव, तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। देखो 1 आवर में 5 राउंड, तो 1 राउंड कितने देर में करेगा, रिलेटिव स्पीड से बी 60 मिनट, 1 आवर को मैंने 60 लिख लिया, अपॉन 5 तो 12 मिनट, तो रिलेटिव स्पीड से बी 12 मिनट बाद एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब देखो 7:30 पे उन्होंने स्टार्ट किया, तो उसमें 12 मिनट ऐड कर दो, तो आंसर मेरा आ गया 7:42, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। हम इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने हैं कितने हैं, ठीक है। पहले मैं वन ब्लॉक वाले काउंट करता हूँ जिसमें सिर्फ वन ब्लॉक इंक्लूड होगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो टोटल मेरे 8 ऐसे है जिसमें हमारा क्या है, वन ब्लॉक काउंट हो रहा है, ठीक है। अब मैं ऐसे काउंट करूंगा जिसमें हमारे दो दो ब्लॉक इंक्लूड हो जाएं, ठीक है। जैसे देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो दो दो ब्लॉक्स कवर करने वाले कितने हैं, 5, ठीक है। अब हम वो देखते हैं जिसमें हमारे थ्री थ्री ब्लॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। एक देखो 1,
टू, ठीक है, एंड दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर, ठीक है। तो थ्री ब्लॉक्स वाले मेरे कितने हैं? फोर। अब हम देखते हैं फोर ब्लॉक्स वाले कितने आएंगे जिसमें फोर कवर हो जाए। देखो वो एक ये बड़ा दिख रहा है हमको, ये भी एक हमारा रेक्टेंगल है फोर ब्लॉक वाला, कितना है ये? वन। तो इन सबका टोटल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 18। तो इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं? टोटल 18, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें डाइस की दो पोजीशंस गिवन है और हमको क्या निकालना है, वन के ऑपोजिट कौन सा आएगा, ठीक है। देखो इस डाइस में टू कॉमन है हमारा, तो टू नोट करके हम क्लॉकवाइज नंबर लिखेंगे, ठीक है। टू के बाद क्लॉकवाइज वन, देन फाइव, ठीक है, फिर टू नोट करेंगे नेक्स्ट में, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे सिक्स एंड थ्री, ठीक है। तो यहां से हमें पता लग गया वन के ऑपोजिट हमारा सिक्स है, फाइव के ऑपोजिट थ्री है, और जो रिमेनिंग है टू के ऑपोजिट फोर आएगा। हमसे पूछा क्या है, वन डॉट के ऑपोजिट क्या है, तो मेरा वन के ऑपोजिट क्या आ जाएगा आंसर? सिक्स। तो आंसर क्या आ गया इसका? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जो स्टेटमेंट गिवन है इनका यूज करके मैं वेन डायग्राम बनाता हूं। ऑल लायंस आर टाइगर, जितने भी लायंस हैं वो क्या है हमारे? टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑल टाइगर्स आर लियोपर्ड, जितने भी टाइगर्स हैं सारे, ठीक है, ये लियोपर्ड है, लियोपर्ड, ठीक है, ये लायन है हमारा, ध्यान रखना। सम लियोपर्ड्स आर वोल्व्स, सम, ठीक है, तो मैं सम को ही इंक्लूड करूंगा, ये वोल्व्स हैं हमारे, ठीक है। एंड नो वोल्व्स इज एलिफेंट, कोई भी वोल्फ एलिफेंट नहीं है, ठीक है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों में कोई भी पार्ट कभी भी कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन देखते हैं, नो एलिफेंट इज लॉयन। देखो एलिफेंट और लॉयन का मेरे पास कोई रिलेशन नहीं है, ये एलिफेंट ऐसे भी आ सकता था, ठीक है, इसका वोल्फ्स के साथ कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, लॉयन के साथ हो सकता है, ठीक है, मेरे को पता नहीं है। तो स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सम वोल्व्स आर लॉयंस, सम वोल्व्स आर लियोपर्ड तो हमें दे रखा है, लॉयंस का मेरे को पता नहीं है, ठीक है, कंफर्म नहीं कह सकते हम, हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है, तो ये भी कंफर्म नहीं है मेरे को। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सम लियोपर्ड्स आर लॉयंस, सम लियोपर्ड्स आर लॉयंस, हाँ जी, सम लियोपर्ड हमारे टाइगर भी हैं और लॉयन भी हैं, क्योंकि जो ये वाले लॉयंस हैं ये लॉयंस भी हैं, टाइगर्स भी हैं, लियोपर्ड भी हैं, तीनों हैं, ठीक है, तो सम लियोपर्ड्स आर लॉयंस, तो ये मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, ओनली थ्री फॉलोस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कोडवर्ड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। किसी लैंग्वेज में ओका पेरू का मीन्स होता है फाइन क्लोथ्स, मेटालिसा का मीन्स होता है क्लियर वाटर, ठीक है, और डोनालिसा पेरू का मीन्स होता है फाइन क्लियर वेदर, विच वर्ड ऑफ द लैंग्वेज मीन्स वेदर, मेरे को वेदर का मीनिंग निकालना है, ठीक है। देखो वेदर हमारी लास्ट स्टेटमेंट में आ रही है, हमें क्या करना है इसमें वेदर का मीनिंग निकालना है। अब देखो फर्स्ट वाला क्या है, फाइन क्लोथ, इसमें भी फाइन आ रहा है, तो इन दोनों में जो चीज कॉमन होगी वो क्या हो जाएगा हमारा? फाइन का कोड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है? पेरू, तो ये किसका हो गया हमारा? फाइन का। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें क्या है? क्लियर वाटर, इसमें भी क्लियर आ रहा है हमारी थर्ड स्टेटमेंट में, ठीक है। जो इन दोनों में कॉमन होगा वो क्लियर का होगा, इन दोनों में कॉमन कौन सा है? लिसा, तो ये किसका आ गया? क्लियर का। अब इस स्टेटमेंट में हमारा बचा क्या? डोना, ये किसका होगा फिर? वेदर का, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्यूब का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बड़ा क्यूब बनाया हमने 27 स्मॉल क्यूब से, ठीक है, फिर उनके ऑपोजिट फेसिस पे हमने कलर कर दिया, जैसे रेड कलर कर दिया, एक येलो कर दिया ऑपोजिट फेसिस पे, और एक हमने व्हाइट कलर, ठीक है। टोटल सिक्स फेसिस होते हैं, यानी कि दो ऑपोजिट पे रेड, दो पे येलो, दो पे हमारा व्हाइट कलर हो गया। हमसे पूछा क्या है, टू साइड फेस पेंटेड कौन कौन से होंगे, ऐसे कितने क्यूब हो जाएंगे जिनके टू फेसिस पे पेंट होगा, ठीक है। पहले मैं क्यूब की एक फिगर बना लेता हूं, ठीक है, ये मैंने एक क्यूब बना लिया। जो क्यूब होता है उसके टोटल सिक्स फेसेस होते हैं, ठीक है, इस क्यूब में हमें थ्री फेसेस दिख रहे हैं, ठीक है, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस हो गया हमारा, एक ये, ठीक है। अब देखो टोटल एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक फेस में इसके नाइन क्यूब्स हैं, ठीक है, इस फेस में, इस लेयर में नाइन, इस लेयर में नाइन, इस लेयर में नाइन, तो तीन लेयर में नाइन नाइन है, तो नाइन थ्री जा 27, तो 27 क्यूब्स हो गए, ठीक है। अब देखो अगर ऊपर वाले फेस पे मान लो मैंने रेड कलर किया, तो जो फेस हमें नीचे दिख नहीं रहा उस पर भी रेड कलर होगा,
ठीक है, ये एक पे हमारा व्हाइट, तो ऑपोजिट इसके व्हाइट होगा। अगर यहाँ पे हमने जो येलो है तो इस साइड हमारा येलो पेंट होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे कौन से क्यूब हो गए जिनके टू फेसेस पे कलर हो जाएगा। अब देखो इस क्यूब को नोटिस करो, जहां पे मैं डॉट लगा रहा हूं, इसका एक ये फेस भी दिख रहा है, ये फेस भी दिख रहा है, तो इसके ऊपर वाले पे रेड हो जाएगा, यहाँ पे हम व्हाइट कर देंगे, तो इसके दो फेसेस पे कलर हो गया। ठीक है, जो ये होता है ना, इसे हम बोलते हैं एज। ठीक है, जो ये टू फेस कलर वाले क्यूब आते हैं, ये हमेशा एजिस पे आते हैं, और एक क्यूब में हमारे टोटल 12 एजिस होते हैं। ठीक है, एक एजिस ये, एक एज ये, एक ये हमारा, तो फोर एजिस ये हो गए, ऐसे फोर नीचे होंगे ये वाले। ठीक है, और फोर ये रे, दो तीन और एक इसके पीछे होगा। ठीक है, टोटल कितने एजिस होते हैं हमारे, 12 एजिस। अब देखो एक ये हो गया, देखो हर एज पे एक है, जैसे एक ये क्यूब हो गया, इसके भी दोनों साइड पे कलर हो जाएगा। एक हमारा इस एज पे ये वाला क्यूब हो गया, इसका एक ये कलर, एक पिछली साइड जो हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, उसी तरह एक ये हो गया। ठीक है, तो देखो हर एज पे, देखो ये एज हो गया, यहाँ पे कलर हो जाएगा अलग अलग, तो हर एज पे एक क्यूब है, 12 एजिस है, तो कितने क्यूब हो जाएंगे, 12 × 1, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 12 क्यूब्स। ठीक है, देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए फिगर बनाया था, अगर आपको क्यूब का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता ही होगा कि टू फेसेस वाले हमेशा एजिस पे आते हैं, 12 एजिस होते हैं, थ्री क्यूब में हमारे जहाँ पे एक लेयर में हमारे 9 है, तो उसमें एक ही आएगा एज पे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन मन में भी कर सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, एक वॉच है, उसपे जब 12 बजते हैं, 12 o'clock की जो उसकी वॉच का है, ठीक है ये 12 है, कहता वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ईस्ट की तरफ, यानी कि इस तरफ हमारा ईस्ट है, और पूछा क्या है, जब 9 होंगे, जो 9 डिजिट होगा वो किस तरफ डायरेक्शन में शो करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ईस्ट की तरफ अगर हम फेस करके खड़े हो जाए तो ऑपोजिट साइड पे क्या आएगा, वेस्ट, राइट साइड पे दायां हाथ दक्षिण, साउथ, तो इधर क्या होगा, नॉर्थ। ठीक है, तो जो डिजिट 9 है वो किस तरफ पॉइंट करेगा, हमारा नॉर्थ की तरफ, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 गर्ल्स कॉलेज पार्टी में रो में बैठी हैं और हमें अरेंजमेंट निकालनी है। ठीक है, हम सपोज करते हैं सारा सबका फेस ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब देखो पी इज टू द लेफ्ट ऑफ एम, पी क्या है, एम के लेफ्ट में है। ठीक है, यानी कि एम हमारा यहाँ पे होगा, इसके लेफ्ट में पी आ गया, एंड टू द राइट ऑफ ओ, और ओ के क्या है, राइट में, तो ओ हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ओ के राइट पे पी है, एम के लेफ्ट पे है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन, आर कहाँ पे है, एन के राइट में। ठीक है, एन लगा लिया, एन के राइट में हमारा आर आ जाएगा, एंड बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, और ओ के क्या है, आर लेफ्ट में, तो अगर मैं यहाँ पे ओ लिखूंगा इसके लेफ्ट में आर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे, देखो ओ कॉमन है तो आर एन यहाँ पे आ जाएगा, आर एन। ठीक है, एंड हु इज सिटिंग इन द मिडल, अब पूछा है हमें मिडल में कौन है, देखो मिडल में ओ बैठा है हमारा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में हमसे एक स्टेटमेंट पूछते हैं कि जैसे इसमें पूछा है कि इन सब में से टॉलेस्ट कौन है, सबसे लंबा कौन है, और हमें दो स्टेटमेंट्स दे देते हैं, हमें ये बताना होता है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट का यूज करके मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, पहले मैं फर्स्ट स्टेटमेंट देखता हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है पी इज टॉलर देन क्यू, पी क्यू से टॉलर है, एंड टी इज नॉट द टालेस्ट, और टी क्या है, टालेस्ट नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे को पी क्यू और टी का रिलेशन तो पता लग गया, लेकिन मेरे को आर और एस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो यहां से मैं फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करके इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता कि कौन टालेस्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, आर इज टालर देन पी, आर क्या है, पी से बड़ा है, एंड एस इज नॉट द टालेस्ट, और एस टॉलेस्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे को पी आर और एस के बारे में नॉलेज होगी, लेकिन क्यू एंड टी के बारे में कुछ नहीं पता, तो यहां से भी मैं आंसर नहीं निकाल सकता। लेकिन देखो अगर मैं दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दूं, तो कंबाइन करके मेरे को क्या पता लगेगा, आर पी से बड़ा है और पी क्यू से बड़ा है, एस और टी टालेस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां से मेरे को पी क्यू आर एस टी सबके बारे में नॉलेज होगी, तो यहां से मेरा कंक्लूजन क्या निकल जाएगा, जो आर है मेरा वो क्या है, टॉलेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
दोनों स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ेगा इकट्ठे, तभी हमें आंसर पता लगेगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू टूगेदर नेसेसरी, दोनों की इकट्ठे जरूरत है हमें। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।